अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रोशनी चैनल में खुश आमदीद। आज हम आपको एयरलिफ्ट जो ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हुई है उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन देंगे। ये कम्यूट सर्विस है और कराची और लाहौर में ये शुरू की गई है। इसकी ऐप और इसको यूज़ करने का तरीका हम आपको आज बता जाएं और उधर से सर्च करें एयरलिफ्ट बुकिंग ऐप, बस बुकिंग ऐप, और उसको इंस्टॉल कर लें। जब ये इंस्टॉल हो जाती है तो ये इस पे ओपन का बटन ऑन हो जाता है। इस बुकिंग ऐप को आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो सबसे पहले स्क्रीन आएगी आपके सामने वो इसके फ्री राइड्स 300 रुपीस आपको वेलकम के तौर पे दिए जाते हैं। 300 रुपए की फ्री राइड्स आपको दी जाएंगी शुरू में और उसके मुताबिक बताया गया है। कंटिन्यू करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है कि आप इसको बस को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आप जब पिकअप करने के लिए बस आ रही है तो आप मतलब कितनी दूर है बस। ये हाईएस्ट वैन्स होती हैं जो 14 सीटर होती है या फिर कोस्टर होती है जो 24 सीटर होती है, दोनों में से उस पर आपको मेंशन कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे और तीसरा स्क्रीन आपके पास जो सामने आएगा वो इस बस में सवार होने के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। एक इंट्रोडक्टरी स्क्रीन है जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त। गेट ऑन द बस, और इसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद अपना नाम एंटर करेंगे, नाम के लिए ऑप्शन आ जाएगा। नाम एंटर करने के बाद एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा। उस एसएमएस को आप वो एसएमएस आप वो देख लीजिए और उस कोड को उधर एंटर कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इस ऐप को यूज करना शुरू कर सकते हैं। शुरू में आपको 300 रुपए की राइड्स फ्री मिलेंगी, आपके वॉलेट में 300 रुपए ऐड कर दिए जाएंगे और जब आप बुकिंग के लिए जाएंगे तो सबसे पहले ये ऑन किया है हमने और देखें इसमें जो इसमें गूगल मैप आ जाता है, इसमें आप वेयर टू और वेयर टू को क्लिक करेंगे तो दोनों जो पिकअप और वेयर टू दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ये मेन्यू है जो लेफ्ट पे आपके अपर लेफ्ट पे लाइंस लगी हुई हैं, इसको आप क्लिक करते हैं तो मेन्यू आ जाता है। जब आप लोकेशन डालते हैं फॉर्म में तो फॉर्म में आप अपने करीबी स्टॉप का नाम डाल सकते हैं जो उसमें फिर वो जो करीब तरीन स्टॉप होगा एयरबस एयरलिफ्ट का तो वो आ जाएगा। इसमें हम जैसे मिसाल के तौर पे डॉलमेन मॉल एंटर कर रहे हैं तो ये डॉलमेन मॉल तारिक रोड का ऑप्शन नीचे आ रहा है तो उसको क्लिक कर देंगे। और फिर टू हम देख रहे हैं कि सर सैयद यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो सर लिखा है तो ये नीचे ऑप्शन आ गया है सर सैयद यूनिवर्सिटी, इसको क्लिक किया तो उसके बाद ये कंफर्म ड्रॉप ऑफ करेंगे और इसके बाद आपको जो आज की टाइमिंग्स हैं जो उस आज के टाइमिंग्स होंगे वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। इसमें आज की बुकिंग भी करा सकते हैं, परसों की, कल की और परसों की, तीन दिन बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें आप अपने सूटेबल टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको टाइम सूटेबल लग रहा है, तो हम आपको दिखा रहे हैं जैसे 11:41 हमको सूट कर रहा है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। 11:41 पे ये पिक करेगा और 11:59 तक आपको ड्रॉप कर देगा सर सैयद यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें टाइम लिमिट कम ज़्यादा हो सकती है इसलिए कि
पिकअप ड्रॉप पिकअप टाइम जो है वो तो फिक्स होता है, लेकिन जो ड्रॉप का टाइम है वो ट्रैफिक के हिसाब से कुछ ज़्यादा हो सकता है। इसमें आप एक्यूरेसी इतनी नहीं रख सकते कराची के ट्रैफिक में, तो इतना मार्जिन तो आपको देना चाहिए एयरलिफ्ट वालों को। उसके बाद आप टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये आपके सामने आ गया कि ये रूट होगा और 60 रुपीज़ लगेंगे। ये जो 300 आपको फ्री मिले हैं उसमें से ये 60 लेस हो जाएंगे और 240 आपका बैलेंस रह जाएगा। जब तक आपका बैलेंस फ्री रहेगा तब तक आप इसको फ्री यूज़ कर सकते हैं, जब तक आपके वॉलेट में पैसे रहेंगे आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बुक नाउ आ जाएगा, बुक नाउ का ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करें, ये आपके सामने स्क्रीन आ गई। इसमें आपको जो मेन चीज़ नोट करनी है, आपका बोर्डिंग नंबर है ये आपको याद रखना है, और इसका जो हाईएस्ट का नंबर प्लेट है ये आपके सामने आ रही है, ये भी आपको नोट रखनी है। जो गाड़ी आपके सामने आएगी एयरलिफ्ट आएगी तो उसमें नंबर प्लेट उसकी ज़रूर देख लीजिए कि यही नंबर है या नहीं, जिस नंबर में आपने बुकिंग की है उसी में बैठना है। और फिर बैठते ही आपको ये बोर्डिंग नंबर जो है ये कैप्टन आपसे मालूम करेगा और अपने पास एंट्री करेगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो ये ऑप्शंस हैं, जब आपकी पिकअप टाइम करीब आ रहा हो तो आप इसको ट्रैक बस भी कर सकते हैं, अपनी बुकिंग्स भी देख सकते हैं, इनवॉइस भी देख सकते हैं, इसमें ऑप्शन है। ठीक है जी, इसमें आपको बोर्डिंग नंबर आपको याद रखना है और इसकी गाड़ी का नंबर याद रखना है और उसी गाड़ी में बैठना है जिसका ये नंबर आपको यहाँ दिया गया है। गलत गाड़ी में बैठेंगे तो फिर आपको भी परेशानी होगी, कैप्टन को भी परेशानी होगी। ये आ गए हम मेन स्क्रीन पे दोबारा, ये मेन्यू है, मेन्यू में आप देख सकते हैं आपके वॉलेट भी है, इसमें आप देख सकते हैं कि वॉलेट कितने बता रहा है आपको, आपके वॉलेट में कितने पैसे पड़े हैं। जनाब, अच्छा, इसमें वॉलेट में अभी मेरे 230 रुपीज़ पड़े हुए हैं। अच्छा, इसके बाद जब आपका वॉलेट ये फ्री राइड्स ख़त्म हो जाती हैं तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन हैं कि आप 1,000 रुपये कम से कम, 3,000 रुपये या 5,000 रुपये इनके क्रेडिट दे सकते हैं, क्रेडिट ले सकते हैं। तो ये अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर देंगे इनके अकाउंट में तो आपके वॉलेट में ये पैसे आ जाएंगे और आप फिर उसको यूज़ करते रहेंगे। पेमेंट मेथड जो है वो क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, इजी पैसा है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है। पहले शुरू में इन्होंने सिर्फ बैंक ट्रांसफ़र ही रखा था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र डिपॉजिट रखा था, लेकिन अब इजी पैसा की भी है सहूलत और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं पेमेंट। ये और ज़्यादा सहूलत आ रही है और दिन ब दिन ये लोग इसमें चेंजेस ला रहे हैं और अच्छी चेंजेस हैं। एक रीबुक का ऑप्शन भी है जो आप उसमें कर सकते हैं, अगर आपको आज की आपने करवाई तो रीबुक कल के लिए करवा सकते हैं। इसी तरह रिटर्न बुकिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, आ गया है, तो सहूलत दे रहे हैं मजीद और पैसेंजर्स के लिए बड़ी अच्छी सहूलत है ये। बड़ी आरामदेह गाड़ियां हैं और एसी वाली गाड़ियां हैं। अभी तो चलो सर्दी है, लेकिन ये कि जब थोड़ा गर्म मौसम हो जाएगा फिर इसकी वैल्यू आपको पता चलेगी, इसलिए कि बहुत आरामदेह और एसी वाली गाड़ियां हैं, सीट बाई सीट जाते हैं और साफ़ सुथरी गाड़ियां इन्होंने कंपनी ने रखी हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग रोशनी चैनल। सब्सक्राइब कीजिए रोशनी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।